हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मजे में होंगे और गाइस इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी बगीचे को राउंड मारने। आज की सुबह का राउंड। पहले तो गाइस मैं ऐसे ही सोच रहा था, 10 तो मैंने ऐसे भी जा दिए बैठे बैठे, जाऊँ बगीचे को भी नहीं। फिर लास्ट में सोचा कि चला ही जाता हूँ, 1-2 बजे तक वापसी आ जाऊँगा, 1-1.5 बजे को घर। 11 बजे चला घर से, फिर यहाँ पे पर गुलाब भैया के पास बैठ गया। उनके बगीचे देख रहे थे, उनके प्लांट्स देख रहे थे, कैसी क्रॉपिंग आई है। और इस तरह से ये मेरा टाइम इसी तरह से वेस्ट हो जाता है। सो अब जाके मैं अपने बगीचे की ओर चलाऊँ। नीचे को जुकाम भी हुआ हुआ था गाइस, बट अब थोड़ा ठीक हो गया है। बाकी मैं भी चला हुआ हूँ, देखते जरा गाइस क्या बोलती है इस साल की पेटल फॉल। अब जाके गाइस प्रॉपरली पेटल फॉल शुरू हुआ है, हो चुका है पेटल फॉल इस साल का। तो अभी इस बगीचे में तो ऑलमोस्ट पता लग ही जाएगा कि कितनी क्रॉप है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या होगा, कैसा होगा। बाकी देखते हैं क्या बनता है। और ये देखिए, ये मेरा खेत जिस तरह का नज़र आ रहा है अब। इसमें गाइस फ्लावर ऑलमोस्ट सारे ही जड़ चुके हैं, देखिए जाली के अंदर। तो गाइस ये देखिए, ये हमारे जो गाला लगे हुए हैं, इनकी थिनिंग गाइस कंपलसरी हो जाती है, बिकॉज नहीं तो कोई भरोसा नहीं होता गाइस। अगर ओवर क्रॉप हो जाएगा गालाज, और ये जो गाइस रूट स्टॉक पर जो प्लांट्स होते हैं गाइस, इसमें तो खासकर मस्ट भी कंपलसरी होती है थिनिंग, बिकॉज अगर टहना भी टूट सकता है ना। यहाँ पे इनमें गाइस गालाज में थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। सो बाकी थिनिंग भी गाइस ऐसी ही करने की, 1-2 दाने रखो। मतलब ना साइज में इशू होता है और ये देखिए गाइस गालाज तो सारे हमारे अच्छे डेवलप हुए हैं। और ये मंचूरियन, यहाँ ये मैंने वो छोड़ दिया था जो उस वक्त रहे हुए थे फ्लावर्स। उस वक्त गाइस फ्लावरिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी ना, इस वजह से मैंने ये मंचूरियन छोड़ा था। एक व्लॉग में आप लोगों को दिखा होगी, इसकी थिनिंग कर रहा था मैं। इस बॉनेटर की थिनिंग आप लोग भी ज़रूर कीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर दिक्कत नहीं होती है गाइस क्रॉपिंग की। मतलब अगर आपका बॉनेटर गाइस ज़रूर खुलेगा, तो जितना भी जितने परसेंटेज भी आपके बगीचे में नेक्स्ट ईयर फ्लावर आएगा, उसकी सेट होने की उतनी ही ज़्यादा चांसेस होते हैं गाइस। हम लोग तो अपनी बात कर सकते हैं गाइस, मैं तो खासकर हर साल ये पॉलिनेटर तो गाइस हर साल ज़रूर मस्ट बी कंपलसरी होता है कि भाई पॉलिनेटर की थिनिंग होगी ही होगी। बट गाइस अगर आप लोग नहीं कर सकते तो वैसा तो कोई इशू नहीं होता पॉलिनेटर में, बट क्योंकि आप इसको पॉलिनेटर्स को जल्दी तोड़ देते मैक्सिमम लोग, हम लोग इस वजह से इसमें इसका बड मैच्योर्ड हो ही जाता नेक्स्ट ईयर के लिए एक ना एक। बट गाइस अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो भी अपना ही फायदा है पॉलिनेटर को। बीच में कहीं कहीं गाइस रखिए देखने के लिए, ताकि
प्लांट पूरी तरह से स्ट्रेस में ना जाए पॉलिनेटर। बीच में वो भी कहीं कहीं गाइज, मैं तो वैसे ऐसा बोलता हूँ कि रखो ही मत। और क्या इससे कम सेट हुआ है, उतना तो नहीं हुआ हो पाया जितना हम लोगों की एक्सेप्टेशंस थी। बट गाइज अगर जितना भी हो रखा है सेट, इतना भी रहेगा तो बहुत है। सो गाइज अब चला, ये देखिए मैक्सिमम फ्लावर वेस्टेज है। कुछ इस तरह का है गाइस हमारा ऑर्चर्ड इस टाइम पे। थिनिंग भी गाइस क्या थिनिंग करनी है, देखिए मैक्सिमम दाना, मैक्सिमम जितना आप देख पा रहे, देखिए हिलाने पे ही झड़ रहा है। देखिए ये वेस्टेज है गाइस, ज्यादा ऐसा ना फ्लावर उस तरह का सेट हो ही नहीं पाया, बल्कि मेरे तो मक्खी का डब्बा भी गाइज यहीं था इसी प्लांट के नीचे। फिर भी देखिए इसके ऊपर के हालात, मक्खियाँ भी क्या कर पाएगी गाइज जब वेदर ही बट सॉरी गाइज मैं थोड़ा गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पर गाइज मक्खी का डब्बा था, प्रूफ दिखा देता मैं आपको, ये गोबर और ये डब्बा पैक करने के लिए रखा हुआ था हमने एक डब्बा। ये देखिए यहाँ पर गोबर, यहाँ पर गाइज मेरा मक्खी का डब्बा था। और इसीलिए गाइज मक्खियाँ मस्ट भी कंपलसरी होती है, हम लोगों को मक्खियों का वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई मक्खियाँ क्या करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज ये मक्खियाँ, ये मक्खियों के काम है। अगर मक्खी नहीं होती यहाँ गाइज तो शायद इतनी। बाकी तो गाइज मैं अपना ऑर्चर्ड अभी तक 8-10 पेड़ के नीचे से आ गया हूँ, इतना क्रॉप लोडेड बट नहीं दिखा था मेरे को जितना गाइज ये वाला प्लांट दिखा है। ये देखिए बाकी गाइस थिनिंग जरूर कीजिए। ये अभी गाइस जैसे काफी टाइम बाद क्या है तो मोस्टली गाइस थिनिंग की कैंची तो 1 साल बाद ही उठती है हाथ में बंदे के, और वो भी सिर्फ हम लोग तो गाइस पोलिनेटरी थिन करते हैं ज़्यादा। ये भी मैं यहाँ पर गाइस मक्खी का डब्बा था इस वजह से ये वाले बर्ड थिन कर रहा हूँ, अदरवाइज तो गाइस इतनी तो क्रॉप ही नहीं, इतनी तो फ्लावर सेट ही नहीं हो पाएगी जितनी मैं कि भाई हमें थिनिंग करनी पड़े। इतने लायक गाइस हमारे ऑर्चर्ड्स भी नहीं हैं, ये गाइस यहाँ पर इस वजह से इतनी क्रॉप लोड है बिकॉज यहाँ मक्खी का डब्बा था एंड पॉलिनेटर भी ठीक मक्खी के डब्बे के ऊपर ही था। मैं आ चुका हूँ यहाँ देखिए कलम वाले पेड़ में, देख सकते हैं आप इसकी कलम है गाइस, 3rd ईयर में गाइस कलम है और प्रॉपरली फुल प्रोडक्शन पर आ चुकी है। देखिए बस गाइस हमारे को सिर्फ कलमों में एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है पेपरिक की। बाकी गाइज रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, जिस तरह से हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं देख सकते हैं आप, पूरे का पूरा प्लांट हील हो चुका है। मैं आपको इसका मोटे कट्स भी दिखाऊंगा, मोटे कट्स गाइज इस तरफ को है वहाँ स्टार्टिंग में,
और ये देखिए गाइस, ये हमारी मोटे कट पर कलम थी और ये छिलका कलम करी थी गाइस। इस तरफ से छिलका इस तरफ आता है, देखिए पूरा हील हो चुका है गाइस। और इसमें आप लोग क्रॉप लोड देख सकते हैं फुल प्लांट में। ये देखिए गाइस ये हमारी, और गाइस ये चिप करी थी मैंने यहाँ पर खुद। चिप के रिजल्ट्स भी गाइस इतने ख़राब तो नहीं आए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें गाइस टॉप में कलम फेल हो गई थी और मैंने इस कलम से आँख निकाली थी, एक यहाँ से चिप वाली आँख निकाली थी यहाँ पे। अभी तक बल्कि घाव है पेपर एक भी, उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हुआ था। बट यहाँ से गाइस मैंने चिप निकाल के आँख निकाल के यहाँ टिका दी थी। और ये देखिए गाइस प्रॉपर अब तो ये फुल जान में आ चुकी है, प्रॉपर कलम की तरह। देखिए जितनी मर्जी ताकत लगाओ ऊपर से टूटेगी गाइस, नीचे से नहीं। इस साल तो इसमें फ्रूट भी आ चुका है मेरी चिप में, लास्ट से लास्ट ईयर करी थी, थर्ड ईयर में गाइस ये भी चिप, सब कुछ साथ हुआ था इसमें। बस कलम फेल हुई थी मैंने तब, उसके बाद करी थी मई में। फिर से फर्स्ट ईयर इसमें इतनी सी ग्रोथ थी गाइस, फिर सेकंड ईयर आई थी इतनी ग्रोथ लास्ट ईयर मतलब। अब थर्ड ईयर में देख लीजिए गाइस, 4 इंच की ग्रोथ तो हो चुकी है अभी। तो बाकी गाइस इसको दिखाने के लिए, चिप दिखाने के लिए स्पेशल मैं आप लोगों को आया प्लांट पर। ऐसे करनी तो मुझे थिनिंग भी थी बट इसमें गाइस मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉपरली जो एप्पल है हमारा वो फ्रूट सेट नहीं हो पाया है। ये देखिए मैक्सिमम गाइस सूख चुका है, तो इसलिए थिनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है गाइस, ये है वॉशिंगटन वैरायटी का, टॉप ग्राफ्ट करा था हमने सेकंड ईयर में ही गाइस, अच्छी फ्रूटिंग आ गई है। थर्ड ईयर में आएगा भाई साहब, फर्स्ट ईयर सॉरी। ये यहाँ लास्ट ईयर की कदम, ये एक साल की ग्रोथ, ये देखिए लास्ट ईयर की कलम, एक साल की ग्रोथ। इसमें गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, फ्रूटिंग ऑलमोस्ट ठीक ही है, सैंपल्स तो है ही है, ऑलमोस्ट अच्छे सैंपल्स आएंगे गाइस, ये देख सकते हैं आप। सो बाकी गाइस मैं भी चलता हूँ अभी घर, लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर शाम को मिलेंगे अब आप लोगों से। सो गाइस ये देखिए मैं आया हूँ अभी पानी डालने प्लांट्स को गाइस, अपने सेकंड ऑर्चर्ड में। और एक मधुमक्खी ने इसने मेरे को परेशान करके रख दिया गाइस कंटिन्यू, पता नहीं क्या दिक्कत होगी इसको मधुमक्खी को गाइस। ये देखिए गाइस ये टीरेक्स का पेड़ कुछ मेरे को हफ्ता हुआ नज़र आया है, इसलिए इसमें मेरे को पानी डालना पड़ रहा है अभी। मैं भी पानी की वजह से ही गाइस, क्योंकि आपको पता ही है M9 पे ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कई प्लांट्स अगर कोई हप जाए तो पानी से वो रिकवर हो जाता है लगभग मोस्ट प्रॉपरली। तो गाइस बाकी प्लांटेशन की क्या बात करनी है, तो आप लोगों को पता ही है मेरे प्लांट्स ऑल मोस्ट सारे प्लांट्स चल ही पड़े हैं गाइस, ऑलमोस्ट जितने भी मैं देख पा रहा हूँ अभी। ये देखिए मेरे को जिन जिन पर डाउट है गाइस वो वहाँ पर ये 3 पेड़ का ला के, ये वाले पेड़ में डाउट्स था, लेकिन इनमें गाइस मैंने जिन जो जो प्लांट्स चले नहीं थे उन प्लांट्स में गाइस मैंने अभी परसों 4-5 दिन पहले पानी दिया था, जो जो प्लांट्स मतलब चले नहीं थे। पानी तो नहीं था गाइस इतना भरा हुआ मेरे पास परसों, तो जिन प्लांट में गाइस सैप एक्टिव नहीं हुआ था उन प्लांट्स में मैंने पानी डाला, और आज मैं देख पा रहा हूँ गाइस कि वो प्लांट्स भी चल ही पड़े हैं लगभग। देखिए और गाइस पानी भी मैं लगभग दबकी देता हूँ, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा पानी देते बंदे, मैं नहीं देता गाइस, मैं देता दबकी पानी जब भी तेरा गाइस, तो फिर अपना ही फायदा है ना। अगर प्लांट पानी की वजह से सूख जाए या फिर पानी की कमी की वजह से प्लांट सरवाइव ना हो पाए, वैसे गाइस बंदे और मैक्सिमम नर्सरी वाले भी यही कहते हैं पर डे का 2 से 2.5 लीटर मेनली, तो गाइस 1 से 2 लीटर चाहिए। ये हमारा 5वां डब्बा लग चुका है बगीचे में, और ये देखिए ये है स्वीट,
स्वीट कौन सी थी ये, चेरी स्वीट लॉरेंस, ये देख सकते हैं आप। ये गाइस 900 रुपये का प्लांट है, एक एक प्लांट ही सिर्फ हमारा सूखने की ओर है, बाकी यहाँ देख सकते हैं गाइस आप फ्लावरिंग इतनी प्यारी हो रखी है कि अभी क्लस्टर्स खुलने को रहे हैं, बिकॉज गाइस ये हाइट पर ऑर्चर्ड है इस वजह से। देखिए बीच बीच में कहीं फर्स्ट फ्लोरिंग का दाना भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये है गाइस, यहाँ पर गाइस जो भी सेब तैयार होता है ज़्यादा तर, और ये देखिए गाइस अमेज एक्सेल के रिजल्ट्स कितने लंबे लंबे, ऑलमोस्ट गाइस आप सब जगह देखेंगे इस चीज़ को मेरे ऑर्चर्ड में। इस साल हम लोगों ने अमेज एक्सेल की स्प्रे करी है पिंक बर्ड पर, देखिए ऑलमोस्ट सारे के सारे पिंक बर्ड हमारे ग्रोथ हुए हैं अच्छे खासे, इनकी जो डंडी होती है अच्छी खासी ग्रो हो रखी है गाइस। यहाँ पर गाइस मुझे 1500 से 2500 तक, जब बहुत ज़्यादा ओवर क्रॉप होता है 2500 क्रेट्स तक निकल जाता है माल, तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है गाइस हमारे पास। यहाँ पर देख लीजिए आप, 5 डब्बे एक जगह ही लग रहे हैं और नीचे घर में 5 डब्बे अलग अलग जगह लगे हुए थे, देख सकते हैं आप एक दाना नज़र आ रहा है। सो बाकी गाइस आज के व्लॉग में तो इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों के साथ आप लोगों से अब कल। बाकी चैनल पर नए जुड़े हैं तो गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप लोगों को रेगुलरली दिखाने की कोशिश करेंगे गाइज। ये देखिए बटरफ्लाई बैठी है। बाकी गाइज कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अब कल। टिल देन बाय, टेक केयर।